यूपी सिपाही भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन की अनदेखी से आहत कुछ अभ्यर्थियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। धूप से गिरा है, कुछ खा लिया है। अब ये पता नहीं है सर जहर खाया है क्या खाया है, लेकिन ये डेफिनेटली ये बोल रहा है कि मैंने जहर खाया है। बता दें, भर्ती प्रक्रिया के 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो आत्मदाह कर लेंगे। मृत्युंजय कुमार यादव। सर, हम लोग आए थे यहाँ पे भर्ती बोर्ड पे और हमारी मांग थी सीएम सर से मिलने के लिए। हम यूपीपी 2013 के कैंडिडेट हैं और सर, हम लोगों का 2013 का मैटर है, 6 साल से चल रहा है। हम लोगों का कुछ भर्ती में आरक्षण गलती लगा, उसके कारण कुछ रिक्त सीटें थी और कुछ जो है ओरिजेंटल सुधारा गया, उसके तहत हम लोगों का नया 8,500 लड़कों का 8,678 लड़कों का मेडिकल कराया गया अगस्त सितम्बर में, और हम लोगों का सर तब से नियुक्ति नहीं मिली। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान होकर यहाँ पर आते हैं तो हम लोग डंडे खाते हैं और यहाँ से भगा दिए जाते हैं। अब तो डीजी सर ये भी कहने लगे कि यहाँ पे लड़कों की सीट नहीं है, लड़कियों की है, आप लोग जाओ। तो इसके लिए सर हम लोग आज सीएम सर से मिलने वाले थे और आए तो हम लोगों को यहाँ पर डंडे से मारकर इको गार्डन में भगा दिया गया, और वहाँ पर बच्चों ने 6-7 बच्चों ने जहर खा लिया और कुछ बच्चियाँ काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब है उनकी और सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। अभी सर वो एडमिट हैं। क्या उनको कोई देखने के लिए आया है? नहीं सर, अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नहीं आया इनका। अस्पताल आप लोगों द्वारा पहुंचाया गया? हाँ सर, हम लोगों के द्वारा लाया गया। हम लोग पहले भर्ती बोर्ड लाए, इनका कहना था कि हमको भर्ती बोर्ड पर ले चलो, अगर हमारे जान देने से 11,786 का कल्याण होता है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोगों ने इसको भर्ती बोर्ड लाया और वहाँ से भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया कि हॉस्पिटल में पहले ले चलो, एडमिट कराओ। तो हम लोग सर लेके आए और वहाँ से कोई देखने के लिए नहीं आया। क्या मांगे? सर, हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोग जितने लोग मेडिकल फिट हैं 11,786 सबको नियुक्ति मिले। सर, हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग ऐसे ही एक एक करके विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।